Ma'am, you will introduce yourself, firstly. Introduce okay. Yourself. Okay. Kya background pura? Apna naam? Easy. Yeah, role. Yeah. Ma'am, you will introduce yourself. Aur kis tarah ka role play kar rahi hai aap is movie mein, iske bare mein thoda bataiye. Okay. First of all, my name is Sanskriti Jain and my background is I have done theatres, plays from school, after college, that's it, like popularly known as Prithvi Theatre, NCPA in Mumbai and Shri Ram Center Kamani Auditorium in Delhi. Ishq Click, jaisa aapko pata hai, it is no doubt, it is an erotic movie, but उससे भी कुछ कहीं कुछ ज्यादा इसकी स्टोरी लाइन है जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत क्रिस्प है. ऐसा इधर उधर कुछ नहीं है स्टोरी लाइन में. बहुत ही कॉम्पैक्ट स्टोरी है और इट इज अ वेरी पावरफुल स्टोरी. ओके, किस तरह का किरदार प्ले कर रही है आप इस मूवी में? अपने रोल के बारे में बताइए. आई एम प्लेइंग अ वेरी पिविटल रोल. अध्ययन सुमन की वाइफ का कैरेक्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसे वी डोंट गेट टू सी नाउ डेज. यू नो, जो अपने हक के लिए खड़ी होती है, अन्याय के लिए लड़ती है, कोच कचहरी जाती है, जो उसके साथ गलत हो रहा है तो वो सहती नहीं, हमेशा आगे उठ के बोलती है, आगे आके बोलती है, अपने लिए प्रोटेस्ट करती है. आपका देखा जा रहा है तो टॉप रोल है, देखा जाए तो फिर तो इसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन किए थे? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल. मेरी वर्कशॉप्स हुई थी इसके लिए, 15-20 दिन के लिए वर्कशॉप हुई. फिर बहुत सारे डायरेक्टर्स के बहुत सारे आइडियाज थे तो वो मुझे बोलते थे आप वीडियो रिकॉर्ड करो, कुछ ऐसा रिकॉर्ड करो, 3-4 तरीके से उसमें वेरिएशंस होने चाहिए, मूड्स होने चाहिए, 3-4 तरह के वीडियोस रिकॉर्ड करो. फिर मैं ये सब वीडियो रिकॉर्ड करती थी, फिर मैं डायरेक्टर साहब को दिखाती थी तो फिर वो मुझे जज करके बताते थे ये सही है, ये गलत है, आप ऐसे करो, ऐसे नहीं करो. तो ऐसे स्लोली ग्रेजुअली मैं रोल के लिए मुझे प्रिपेयर किया तो इसी तरह बहुत सारी वर्कशॉप्स हुई. ऐसे सिर्फ ये 15-20 दिन का नहीं था, ये 3-4 महीने का ये ड्यूरेशन था. ये मूवी मिली कैसे आपको, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या ऑडिशन थे क्या? डेफिनेटली ऑडिशन भी था, लेकिन मैं दिल्ली में एक जगह प्ले में परफॉर्म कर रही थी मैं वहां पे, तो उधर ही मुझे जो प्रोड्यूसर साहब है हमारे, उन्होंने मुझे प्ले करते हुए देखा था. तो लास्ट में जैसे हम जब रैप अप होता है तो हम लोग मिलते हैं सबसे, जो भी फीडबैक लेते हैं, तब उन्होंने मुझे फीडबैक दिया था. तब उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग एक कोई भी फ्यूचर में प्रोजेक्ट करते हैं, तो इनफैक्ट उनका कोई एक प्रोजेक्ट ये वाला स्टार्ट भी होने वाला था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जब भी दिल्ली आओ तो मुझे मिलो. तो मैं उनसे मिली तो मेरा छोटा सा ऑडिशन हुआ, फिर स्क्रीन टेस्ट हुए, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे राउंड्स हुए तो मैंने क्लियर करके देन आई फाइनली ग्रैब दिस रोल. आप थिएटर भी कर चुकी है मैम और मूवीज में भी आई अभी, तो कहाँ से ज्यादा एंजॉय करती है, थिएटर या मूवी में? थिएटर तो मैं पहले भी करती थी और अभी भी करती हूँ, और मूवी अभी मिली है, अभी मैंने किया है, तो डेफिनेटली इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस व्हाइल आई वॉज शूटिंग, तो मूवी का भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. संस्कृति सवाल करे इश्क और क्लिक की, हाँ, कितनी उम्मीद है आपको इस फिल्म से और आप इस फिल्म से? एक्चुअली आपका अगर फर्स्ट को एक नर्वसनेस तो होती है तो उसके साथ एक उम्मीद भी होती है, लोगों की थोड़ी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि थिएटर किया है तो यू नो कि शायद कुछ अच्छा होगा, अच्छा परफॉर्म किया होगा, तो एक इसीलिए एक उम्मीद भी, एक आशा भी बन जाती है इसके साथ ही. संस्कृति बात करें इस क्लिक की, म्यूजिक के बारे में अगर बात करें तो शायद पूरी बात कंप्लीट नहीं होगी, तो आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार का म्यूजिक है इस फिल्म में और कितने गाने हैं और किस प्रकार के गाने हैं ये सब? गाने एक्चुअली इसमें एक आई थिंक पूरी वैरायटी है गाने की, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है. और क्या है ना, अगर कंपोजर एक ही है तो एक वो मूड को मेंटेन करके रखा है पूरे गाने में. इसमें एक सैड सॉन्ग, इट्स अ वेरी मेलोडियस म्यूजिक,
एक सैड सॉन्ग भी है, हैप्पी सॉन्ग भी है, रोमांटिक सॉन्ग भी है, तो इट इज अ पैक। संस्कृति बात करें फिल्म की, पिक्चराइजेशन की, कहाँ कहाँ पे शूट हुआ और आपने कैसा फील किया उस सब करते हुए, क्या कैसा फील कर रहे? हाँ, शूटिंग हमने मुंबई में किया, दार्जिलिंग में किया, सिलीगुड़ी में किया, दिल्ली में किया, नोएडा में किया, तो एंड द बेस्ट पार्ट वाज सिलीगुड़ी एंड दार्जिलिंग। कितना एंजॉय किया वहाँ पे मैम? बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय भी किया। हार्डली 2-3 डिग्री टेम्परेचर भी होता था और हम लोग को स्वेटर भी नहीं पहनना है, कुछ भी नहीं पहनना है, तो बट इट वॉज फन वॉकिंग। हाउ इज योर को-एक्टर्स, आपके को-एक्टर्स कैसे थे जिनके साथ आप काम किए? बहुत ही बढ़िया थे, बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। ओवरऑल 22 तारीख को आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? आपकी फिल्म क्यों जाए लोग दर्शक थिएटर में देखने के लिए, क्या ऐसा कुछ खास है इस फिल्म में? खास तो ये है कि लीक से हटकर है, और जैसे मैंने बोला लोग यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि लड़की कुछ स्टेप ले, लड़की कुछ आगे हटकर, लीक से हटकर कुछ यू नो किसी पे व्हाट शुड आई से, कुछ लीक से हटकर जैसे होता है कि अगर लड़की किसी पे केस करे या कोई अपने लिए स्टैंड ले, ऐसे मूवीज कम देखने को मिलती है कि लड़की स्टैंड ले किसी के खिलाफ, तो ये इनजस्टिस को सपोर्ट नहीं करती है, कुछ गलत होता है तो उसके लिए आवाज उठाती है, तो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कि अगर शुरू से करो? हाँ सर, शुरू से करता हूँ। शुरू से करें। अच्छा, इश्क क्लिक एक रोमांटिक मूवी है, म्यूजिकल लव स्टोरी है, जिसमें तीन किरदार है हमारी फिल्म में, अध्ययन सुमन, सारा लॉरेन एंड संस्कृति जैन। तीनों के बीच की बहुत ही अच्छी प्रेम कहानी है, और जब हर एक प्रेम कहानी में अगर संगीत अच्छा ना हो तो फिल्म बहुत ही अधूरी सी लगती है। तो मैं और सतीश जो हम लोग म्यूजिक डायरेक्टर हैं इस फिल्म में और हम लोग प्रोड्यूसर भी हैं, तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि इसमें अच्छा संगीत हो, और जो गाने अभी चैनल्स पे आ रहे हैं या सोशल मीडिया पे जो आ रहे हैं, वो गाने जो भी सुन रहा है वो बोला है कि यार म्यूजिक आपका अच्छा है। स्टार कास्ट किस तरह से फाइनलाइज किया गया है, किस तरीके से, मतलब स्टार कास्ट? अच्छा जी, गानों की बात करें तो कितने गाने हैं इसमें और गाने के बारे में किस प्रकार? इसमें 6 गाने हैं इसमें, और जो आप ऑडियो जो आप लेंगे उसमें आपको 12 ट्रैक मिलेंगे, तो हर एक गाने का हम लोगों ने अलग अलग वर्जन बनाया है, कोई लॉन्ज म्यूजिक है, कोई अनप्लग्ड है, तो बहुत अच्छे वेरिएशंस मुझे मिले हैं। और अलग अलग सिंगर से गवाने का यही मतलब है कि हर सिंगर का अपना एक मूड होता है, तो सिंगर चाहता है कि वो कंपोजिशन में पूरी तरीके से डूब जाए, तो हम लोगों ने यही ट्राई किया कि कम से कम ऑडियंस के सामने अच्छी म्यूजिक हो, अच्छे सिंगर्स आए, और बहुत सारे जो नए सिंगर हैं वो भी मेरी फिल्म से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। माधुरी है, आपसे 2 लाइन सुनना चाहेंगे, जो गाने हैं आपने जो आपके दिल के करीब हो इस फिल्म का, तो 2 लाइन गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए। एक पोस्टर खाली निकाल, अरे फ्रेम निकल जाएगा फिर। आदित्य वर्धन का किरदार प्ले कर रहा हूँ फिल्म में, और फोटोग्राफर का रोल निभा रहा हूँ फिल्म में। एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, स्ट्रगलिंग जैसे जिंदगी में हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ लाइफ में कुछ बनने के लिए, वैसे ही फिल्म में भी कुछ बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और रिश्ते तोड़कर, बाउंड्रीज को क्रॉस करके ये लड़का अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करता है, तो रियलाइज करता है कि अपनी जिंदगी में वो कितना अकेला है टॉप पर। इस तरीके से इस लड़की का करियर कैरेक्टर ग्राफ जो है वो आगे बढ़ता है फिल्म में। कितना रिलेट किया आपने किरदार से, जैसे कि आपने कहा कि मैं रियल लाइफ में भी जितना स्ट्रगल कर रहा हूँ उतना फिल्म में भी कर रहा हूँ, तो कितना रिलेट किया आपने? नहीं, एब्सोल्युटली यार, मैंने एक फिल्म की थी 2009 में जश्न, जिसका टैगलाइन मुझे बहुत पसंद था, जो कहता था कि एवरी नोबडी वांट्स टू बिकम अ समबडी, तो ये एक आम इंसान की कहानी है, अपने करियर में कुछ ना कुछ कोई ना कोई हमेशा बनना चाहता है। तो जहाँ तक रिलेटिबिलिटी का सवाल है, डेफिनेटली एज आई सेड कि प्रोफेशन अलग है फिल्म में, लेकिन स्ट्रगल तो वही है, इंसान कुछ जिंदगी में अचीव करना चाहता है, सो डेफिनेटली देयर वाज रिलेटिबिलिटी इन द कैरेक्टर। सारा बॉलीवुड से अबाउट द कैरेक्टर।
मेरे लिए थोड़ा अलग था क्योंकि मैंने मर्डर 3 में कुछ अलग किया था, फिर बरखा एक मेरी फिल्म आई थी, और फिर ये एक ऐसी लड़की की कहानी थी जिसको पता नहीं है कि उसके अंदर टैलेंट है और उसे पता नहीं है कि खूबसूरत है या कुछ भी। तो मैं भी आई वॉज अ टॉम बॉय एट माई चाइल्ड हुड, तो मुझे सबने बोला तुम बहुत फोटोजेनिक हो, मैंने बोला यार मेरे को फोटोग्राफ से बहुत प्रॉब्लम है यार। सो वो शायद छोटी छोटी चीज़ें थी जिससे मैंने कनेक्ट किया, और म्यूज़िक मुझे अच्छा लगा था सबसे पहले, तो मुझे लगा कि ठीक है इट्स लाइक आजकल सॉन्ग्स हमें अच्छे लगते हैं, और कभी फिल्म कैसी बनती है और कभी बहुत कमाल फिल्म बनती है, लोगों से कनेक्ट नहीं करती, तो आई थिंक ये सब ऑडियंस के ऊपर है उन्हें फिल्म कैसी लगेगी। लेकिन जो ग्राफ है स्टोरी का वो बहुत डिफरेंट है, बहुत सारी इमोशंस हैं, और बेसिकली आज के दौर में हम लोग सब इतने ज़्यादा बिजी हैं कि टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए, अपने रिश्तों के लिए। इसमें जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि शायद हर चीज़ आपका साथ छोड़ देगी, लेकिन जो रिश्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं उनको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक दैट लाइन आई रियली लाइक्ड अबाउट द फिल्म। फिल्म का एक सफर होता है, फिल्म पहले तो प्री प्रोडक्शन स्टेज में होती है, फिर ऑब्वियसली शूटिंग स्टेज पर आती है, उसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं आज थिएटर्स गिने चुने हैं और फिल्में इतनी सारी बन रही हैं आज, स्पेशली खास कर की छोटी फिल्में जहाँ पर यू डोंट हैव शाहरुख और सलमान, यू डोंट हैव ऋतिक, यू डोंट हैव अ ह्यूज स्टार इन द फिल्म, यू नो इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर अ फिल्म टू रिलीज, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं दाद देता हूँ इनकी, इन्होंने ऑब्वियसली इनके ब्लड स्वेट पैसा बहुत मेहनत लगती है एक फिल्म बनाने में, उसे रिलीज करने में, और ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म अगर अच्छी नहीं होती तो ऑडियंस उसे 2 सेकंड में रिजेक्ट कर देती है। बट लेकिन हाँ, आई थिंक 1 ईयर इज आई थिंक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम कि फिल्म प्री प्रोडक्शन स्टेज पर बने और उसके बाद रिलीज हो। आई डोंट थिंक कि फिल्म डिले इतनी हुई है। नहीं, डिले क्या, कोई भी फिल्म आई डोंट थिंक, हाँ एक साल तो लगता है जाने के लिए, तो थोड़ा टाइम तो लगता है। पोजीशन अगर अच्छी बनानी है तो बिकॉज थिएटर्स मिलना मुश्किल है ना आज, मतलब आप अगर देखें तो ये इस फ्राइडे को भी फिर रजनी जी की फिल्म है और फिर इरफान सर की फिल्म है और फिर एक हॉलीवुड इज टेकिंग अलॉट ऑफ स्पेस, अलॉट ऑफ बिजनेस, और फिर रीजनल सिनेमा भी है, मराठी फिल्में भी है, तो वेयर डू वी गो, यू नो, तो यू नो हम लोग यही होप करते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो फिल्म का और लोग फिल्म को पसंद करें, तो ऑटोमेटिकली फिर शोज हैं जो बढ़ जाते हैं। अजय, जैसे आपने कहा कि आप फिल्म में साथ ही फिल्म का प्रमोशन भी काफी कम हो रहा है, जी अभी काफी कम दिन बाकी है, तो इसका क्या रीजन है? नहीं, अजय रीजन कुछ नहीं है, मुझे आज मैं जॉन इब्राहिम का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था अभी, आई थिंक ही गेव, तो बोल रहे थे कि यार इंडस्ट्री जो है एक ऐसे फेज से गुजर रही है जहां पर एवरीथिंग इज जो बोलते हैं टिपिकल प्रमोशन, कि आज हम 4 सिटी जाएंगे, वहां पर बैठेंगे, बातें होंगी, और हम फिर मॉल में जाएंगे, हाथ हिलाएंगे। अगर मॉल में जाने से लोग फिल्में थिएटर्स के अंदर आ जाते, सारी फिल्में जो है वो सर मॉल में पूरा दिन बैठते, तो ऐसा नहीं होता है। आई थिंक एक फिल्म की जो एक एनर्जी है, एक फिल्म का जो वाइब है, पहले प्रोमो में पता चल जाता है, जब गाना रिलीज होता है, बिकॉज गाने सॉन्ग्स आर अ बिग पार्ट ऑफ अ फिल्म फ्रेटर्निटी नाउ, तो उसे देखकर ऑडियंस बोलती है यार इसे देखना या नहीं देखना, सिंपल एज दैट। द फर्स्ट प्रोमो, द फर्स्ट लुक मैटर्स अ लॉट फॉर द फिल्म, और बाकी आई थिंक इट्स फेस्ट, यू नो यू गो अराउंड प्रोड्यूसर के पास, आज जब वो इतनी मेहनत से एक प्रोड्यूसर खड़ा होना चाहता है, उसे कहा जाता है कि अगर आपके पास 7-8 करोड़ रुपए नहीं है प्रमोशन करने के लिए तो प्लीज सामने भी मत आइए, बिकॉज आपकी फिल्म दिखेगी भी नहीं। सो इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, यू नो कहाँ से लाएगा आदमी, यू नो बनाने में लगते हैं, फिर 6-7 करोड़ से रिलीज करने में लगते हैं, और फिर ऑडियंस अंदर नहीं आती है, एंड देन यू आर बेरिंग अ लॉस ऑफ 15 करोड़ 14 करोड़। इट्स टफ, यू नो मैंने हार्टलेस बनाई, एक खूबसूरत फिल्म थी, अब उस फिल्म को थिएटर्स नहीं मिले, सो व्हाट डू यू डू, द फिल्म डजंट इवन गेट अ चांस टू ग्रो, ऑडियंस तो फिर यही कहती है हाँ फिल्म फ्लॉप हो गई। बस बोलना बहुत आसान है, लेकिन उस फिल्म एक फिल्म को क्या क्या डिफिकल्टीज झेलनी पड़ती है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन लोग नहीं समझते इस बात को। अध्ययन, अध्ययन की बात करें तो इस क्लिक में कितनी उम्मीद है इस फिल्म से अध्ययन को, और कहते हैं कि यूं ही खामोश क्या हुए, लोगों ने कैसे कैसे फंसाने वाला दिए, बहुत दिन हो गया क्या कहना जी? नहीं बिल्कुल सर, आई थिंक उम्मीद मुझे हर फिल्म से होती है, बिकॉज मैं हर फिल्म में जाकर मेहनत करता हूँ, चाहे वो एक बड़ी फिल्म हो या छोटी फिल्म हो, मेरे लिए फिल्म होती है, और विद इन द गिवन बाउंड्रीज लिमिटेशंस में आपको फिल्म मिलती है, बिकॉज इस इंडस्ट्री में चढ़ते सूरज को सलाम है, उन्हीं लोगों को वो सारे बिग बजट्स, वो सारी चीज़ें मिलती हैं, विच इज़ फेयर इनफ, बिकॉज यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट कमर्शलिज्म, पीपल नीड टू मेक मनी, और उम्मीद है, आई होप कि लोग इस फिल्म को पसंद करें, बिकॉज I don't know if I would want to say मेरे बुरे वक्त में, because I don't think this is मेरा बुरा वक्त है, because नहीं तो कोई मुझे मेरे साथ फिल्म नहीं बनाता, but obviously किसी ने मुझ पर पैसा लगाया है, एक सोलो हीरो फिल्म कर रहा हूँ मैं,
तो मैं यही चाहूंगा कि मेरे प्रोड्यूसर जो हैं दे रिकवर देयर मनी सो दैट शायद मेरे साथ नहीं लेकिन कल वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं किसी और के साथ इससे भी बड़ी फिल्म बनाना चाहते हैं आई होप दे गेट दैट चांस बिकॉज क्या है एक प्रोड्यूसर फिर निराश हो जाता है जब उसकी फिल्म बिल्कुल नहीं बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमाती है आई जस्ट फॉर अजय जी एंड फॉर सारा फॉर अस ऑल ऑफ अस दैट द फिल्म डज वेल और जहाँ तक आपने साइलेंस की बात की खामोशी की बात की आई थिंक खामोशी बहुत कुछ कह देती है सो आई बिलीव इन बींग साइलेंट समटाइम्स इन लाइफ कौन किसने आरोप लगाया मैं तो किसी को नहीं जानता सूत्रों से खबर कौन है पर कौन है सूत्र ओके अध्ययन यू मेंशन ट्वाइस यू नो कि थिएटर नहीं मिलते हैं थिएटर नहीं मिलते हैं शेखर जी की बात करें वो खुद इंडस्ट्री का इतने सालों से हिस्सा रहे हैं जी एक वक्त था जो फिल्म मेकिंग बहुत चुनिंदा लोगों को बताती है मनमोहन देसाई प्रकाश वक्त से पिक्चर यू नो 25-25 हफ्ते चलती थी सिल्वर गोल्डन जुबली का दौर होता तीन दिन में मन पड़ जाता है आपको लगता कहीं ये जो मोनोपोली चली आ रही है जहाँ से बड़े बैनर्स पूरा थिएटर या पूरा यू नो ले लेते हैं स्क्रीन उसको तोड़ना चाहिए नहीं बिल्कुल तोड़ना चाहिए बिकॉज अभी सारा ने बहुत अच्छी बात कही कल जब हम एक इंटरव्यू दे रहे थे उन्होंने कहा कि सेरा जैसी फिल्म अगर उस स्टारकास्ट को लेकर आप कहीं जाएं कोई डायरेक्टर किसी के पास और कहे कि सर इसमें जरा शायद कोई उन्हें एंटरटेन भी ना करे लेकिन आज करेंगे बिकॉज उस फिल्म ने अनोइंगली 100 करोड़ रुपए कमा दिए इसलिए कंटेंट वर्क्स लेकिन कंटेंट के ऊपर भी आज लोग नहीं नहीं इट्स नॉट अबाउट कंटेंट कंटेंट के ऊपर भी लोग थिएटर नहीं देते आज आई एम सेइंग कि फिल्म अच्छी होती है लेकिन उसको थिएटर कौन देगा बिकॉज एक फिल्म को आज जैसे कि आपने कहा कि ग्रो करने के लिए पहले फिल्में 25 हफ्ते चलती थी एटलीस्ट एक हफ्ते तो दीजिए एटलीस्ट 4 शो तो दीजिए आज बिकॉज एक बड़ी मोनोपोली एक मल्टीप्लेक्सेस में है और मल्टीप्लेक्स में तो आप भूल जाइए शोज तो मिलने नहीं आपको तो जो आप नहीं आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ आई एम अ प्रोड्यूसर मैंने मेरी लास्ट फिल्म बनाई है मैंने अगली भी फिल्म प्रोड्यूस करने वाला हूँ को प्रोड्यूस करने वाला हूँ तो आई एम जस्ट स्पीकिंग द ट्रूथ इट्स डिफिकल्ट टू गेट शोज एंड एग्जिबिटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स शुड बी अ लिटिल मोर काइंड टूवर्ड्स पीपल हु आर न्यू दैट्स इट आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट एनीबडी लारा आपसे जानना चाहेंगे इस क्लिक से लारा सर वो अपना नाम एक बार ऑलरेडी बदल चुकी है फिर ना बदले सारा जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री को पता चला कि सारा फिर से कमबैक कर रही है सभी 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 लोगों ने एक साथ ये कहा कि मेरे अगले में सारा का क्या नहीं पता नहीं कम बैक तो नहीं बट आई थिंक आई एम आउटसाइडर और यहाँ एक दूसरी जगह पे आना जब के कोई आपका मेंटोर नहीं है कोई आपको पुश नहीं कर रहा सो आपको इस तरह के बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए एज एक्टर तो तब शायद आप अपने कैरेक्टर को ज्यादा देखते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए आपके पास जो चॉइसेस आती है उसमें जो आपको बेटर लगता है और जिससे आप कनेक्ट होते हैं जिस स्टोरी से आप वो करते हैं और कौन सी फिल्म कब हिट हो जाएगी आपको पता नहीं सो आपके लिए वो ज्यादा जरूरी है कि आप मूव ऑन करते रहे और ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया या पता नहीं मैं तो ज्यादा सुनती नहीं लेकिन आई थिंक एज एन एक्टर मुझे खुद को अभी ग्रो करने के लिए बहुत सारा काम करना जरूरी है सो आई कांट डिसाइड एनीथिंग राइट नाउ प्लीज कंटिन्यू नहीं नहीं मैंने कहा मैं डिसाइड नहीं कर सकती तो कोई और डिसाइड कर रहा है तो दैट्स देयर चॉइस ओके तीन दिन रह गए और इस तीन दिन में क्या प्लानिंग होगी क्योंकि बहुत कम वक्त है फिल्म की फिल्म को प्रमोट करने के लिए 22 को फिल्म रिलीज हो रही है एज इट इज मेंशन इन द पोस्टर क्या स्ट्रेटजी रहेगी देयर विल बी अ सिटी टूर और यू विल बी हियर इन मुंबई प्रमोटिंग योर फिल्म ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म नो आई थिंक आई विल बी आई थिंक वी विल बी इन मुंबई आई थिंक व्हाट मैटर्स जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कंटेंट बहुत मैटर करता है मैं कहीं भी चले जाऊं कोई भी देश में चले जाऊं कोई भी कंट्री चले जाऊं लेकिन आई थिंक कि जब ये फिल्म का प्रोमो आया था जब गाने आए थे तो लोगों ने जिन लोगों को देखनी है नहीं देखनी उन लोगों ने अपना मन ऑलरेडी बना लिया है तो इट डजेंट मैटर नाउ लेकिन हाँ एक लेवल पर जो करना पड़ता है प्रमोशन करना पड़ता है ऑब्वियसली मीडिया के बगैर वी कांट गेट एनीवेयर वी कांट रीच आउट टू द वर्ल्ड यू नो तो हम थैंकफुल हैं कि आप लोगों का सपोर्ट रहता है हमेशा और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो अजय जी कर रहे हैं बट आई फील कि हर फिल्म का एक बजट होना चाहिए हर फिल्म की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि लोगों तक कैसे पहुंचाएं उसे हर फिल्म के नॉट बी इक्वल के नॉट बी द सेम आई यू इन टॉक्स विद कपिल शर्मा फॉर द शो टू बी देयर फॉर द प्रमोशन आई वुडंट नो आर यू इन टॉक्स विद कपिल सर वी लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ कपिल शर्मा शो एनी टाइम बट आई थिंक अभी थोड़ा सा इस बार लेट हो गया है मैं एक्चुअली माय ग्रैंड मॉम इज नॉट कीपिंग टू वेल तो मैं थोड़ा सा अवे रहा हूं बट आई थिंक ये जानते हैं कि आपने बात की नहीं फिल्म बहुत अच्छी बनी है और म्यूजिकल लव स्टोरी है मूवी है और अध्ययन और सारा ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इनके लुक की हर तरफ तारीफ हो रही है और मैं तो चाहूँगा कि इनका जो लुक हो सबको पसंद आए और फिल्म हमारी दर्शक जाके देखें
मेरी तो बस इतनी तमन्ना है कि थिएटर तक लोग आए और फिल्म को देखें। अजय जी प्रोड्यूसर उम्र से बुरा नहीं होता, उम्र से नो आई हैव गेन वेट, आई हैव बल्क्ड अप फॉर माय नेक्स्ट फिल्म। I can't tell you what my next film right now, but all I can say is I'm time, so there's something very exciting that I'm doing because kuch na kuch alag karna bahut zaruri hai. You can't just keep doing the same thing again and again. You know you have to find out different ways to, you know, get where you want to get in your life. So I'm hoping. अध्ययन, इसके अलावा ऋतिक और कंगना के बारे में बहुत कुछ बोला गया है, बीच में आपके तरफ से भी बयान आया था, तो इस बात को लेकर क्या क्या क्लैरिफाई करना चाहेंगे? कुछ क्लैरिफाई करना नहीं चाहूंगा, आई थिंक लोगों के लिए शायद वो सिर्फ एक गॉसिप होगा, लेकिन जिस वक्त मैंने इस चीज के बारे में बात की थी वो एक इमोशनल स्पेस से आ रहा था। मेरा रिश्ता जो था वो एक पब्लिक स्पेस में था, इसलिए मुझे लगा कि उसकी क्लैरिटी देना एक पब्लिक स्पेस में होना चाहिए। जब ऋतिक सर और इन दोनों के बीच में जब इनकी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, तो मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा था इस कॉन्ट्रोवर्सी में। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस, तो मैंने ऑब्वियसली सबसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज डोंट ड्रैग माय नेम, लेकिन वही है ना कि अगर आप बात ना करें तो फिर लोग बात करते रहते हैं इसके बारे में। तो मुझे लगा कि एक बार क्लैरिटी दे देनी चाहिए, एंड दैट्स इट, एंड दैट्स ऑल आई डिड। इनफैक्ट डीएनए में जो है, डीएनए पेपर जो है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था इतने दिन की आई थिंक अगर आप लोग बात करेंगे तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। तो डीएनए पेपर जो है उन्होंने मुझसे कहा कि अध्ययन आई थिंक दैट यू शुड क्लैरिफाई योर स्टांस एंड यू शुड टॉक अबाउट इट। ऐसे कोई फायदा नहीं है, बिकॉज लोग सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं, ये पब्लिसिटी जाता है। लोग ये नहीं जानते कि पब्लिसिटी से इंसान का क्या होना है लाइफ में, सिर्फ गालियाँ ही पड़ती हैं। और मैं उस फैमिली से नहीं आता हूँ और मुझे इस तरीके की पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है लाइफ में। लेकिन मुझे लगा ठीक है, मे बी अब नहीं तो कभी, शायद मैं ज़िंदगी में अगर सक्सेसफुल हो जाऊँ, और डेफिनेटली होऊंगा, उस वक्त इसके बारे में मेरे पास ज़िंदगी में स्पेस नहीं होगा, वक्त भी नहीं होगा। इसलिए मुझे लगा लेट मी जस्ट टॉक अबाउट इट एंड फिनिश इट ऑफ एंड दैट्स इट। और मैंने एक इंसान से बात की और फिर आई थिंक फारिदून से बात की थी, उसके बाद मैंने किसी से बात नहीं की। सबके फोन कॉल्स आए, आई थिंक यू शुड क्लैरिफाई, आई थिंक यू शुड टॉक, ऐसे देयर नथिंग टू क्लैरिफाई, देयर नथिंग टू टॉक। मुझे सच बोलना था, आप उसको बिलीव करें नहीं बिलीव करना ना करें, आपको लगता है कि मैं लूजर हूँ या मैं पब्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ, वो आपका थॉट है। बहुत से लोग सपोर्ट में भी आए, बहुत से लोग जुड़े भी, सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम दैट दे केम फॉरवर्ड। अजय, कहीं खुश है कि आपने एक बड़ा स्टैंड लिया आपने लिए? Absolutely, यार, I think आज की जिंदगी में you have to fight your own battle, you have to take a stand, चाहे वो एक मर्द हो या औरत हो। I think it's not about कि लोग बोलते हैं it's about feminism or about being a man. It is about being a good human being or about being a human being. And if that means you have to take a certain stance in your life, चाहे वो आपकी जिंदगी के लिए हो, आपके reputation के लिए हो, आपके career के लिए हो, I think you should take it in a very dignified way. ये मतलब नहीं कि stand लेके दूसरों को गालियाँ देना शुरू कर दें आप, बट आई थिंक सच बोलना चाहिए और मुझे सच से डर नहीं है। एक आखिरी सवाल चलते चलते अजय जी, जी मुहावरा आएगा सर, मुहावरा प्रोड्यूसर उम्र से बूढ़ा नहीं होता, प्रोड्यूसर उम्र से बूढ़ा नहीं होता, पैसे बांट बांट के बूढ़ा हो जाता है, क्या कुछ ऐसा लगा फिल्म बनाते बनाते पैसे बांट के? सर आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं सर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। और मेरे एक्टर जो है बहुत ही कोऑपरेटिव थे, मैं जब भी बुलाता था, जैसे भी रखता था, जैसे भी बोलता था आने के लिए, ये लोग हमेशा रेडी रहते थे। और एक्स्ट्रा डेज भी दिए सर। अरे मैं तो बोल रहा हूँ बीच में हम हमारी थोड़ी सी एक अनबन भी हो गई, हम लड़े भी, हमने कहा सर स्क्रिप्ट जो है वो शायद ठीक तरीके से नहीं जा रही है। देखो वेरी काइंड डायरेक्टर साहब बैठे, प्रोड्यूसर साहब खुद आए, बोले तुम लोग इतना वक्त दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, वी वेरी ग्रेटफुल, और हम आपके चेंजेस इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे। सो वी एज आई सेड यार, छोटी हो बड़ी हो फिल्म डजंट मैटर, आई थिंक कि फिल्म को सही डेस्टिनेशन पर पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। सो एग्जैक्टली व्हाट इज डन सब पीछे हो जाओ, माइक किसका ये खबर सिनेमा माइक डाउन है यार, आपके लेफ्ट में मैम, लेफ्ट ऑल ऑफ यू स्टेड हियर, सो मैम मैम स्टे ऑल ऑफ यू हियर, सो अजय जी सो मैम यहाँ लेफ्ट में, अजय जी लेफ्ट यार स्टेड हियर ऑल ऑफ यू, सो सामने मैम स्टेड हियर स्टेड हियर।
हेलो थैंक यू आपके लेफ्ट में फिर इधर देखो फिर इधर सामने अजय लेफ्ट लेफ्ट अजय अजय लेफ्ट अजय यहाँ पर किस तरह की मूवी है इश्क लिक किस तरह की मूवी है लव स्टोरी एंड फिल्म के अंदर एक फोटोग्राफर है एक मॉडल है वो लड़की टैलेंटेड है या खूबसूरत है कभी हम लोग जब जाते हैं और हमें एक ऐसी लड़की जा रही होती है और एक फोटोग्राफर उसको कैमरे की आंख से देता है उसे एक्सक्यूज मी बात सुने क्या आप मॉडलिंग करेंगी एग्जैक्टली ये हुआ इस फिल्म में और इट्स अ वेरी सिंपल सिंपल लाइन आज की बात है एंड फिर वो लड़की कैसे उसको बॉम्बे आती है और कैसे वो एक सुपर मॉडल बन जाती है और फिर उसके बाद जब सक्सेस आता है तो आपके लिए सक्सेस इम्पॉर्टेंट है या आपका आपके इमोशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उसके बीच में चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है तो एज अ ह्यूमन बीइंग जैसे आप होते हैं आप उसी चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं और इस लड़की के लिए रिश्ते बहुत मैटर करते हैं तो इसे लगता है कि सब चीज़ें मेरे से भले चली जाएं बट मेरे रिश्ते जो हैं जो मेरा दोस्त है मेरे साथ जो somebody I'm in love with ये मुझसे कभी दूर ना जाए तो बस उसी स्ट्रगल के साथ ये फिल्म चलती है okay, model, model बनी इसमें आप मॉडलिंग का एक हाँ अच्छा हिंट जस्ट टच ऑफ मॉडलिंग इस लोकेशंस कहाँ कहाँ शूट हुए काफ़ी जगह शूट हुए बहुत सारे दार्जिलिंग में एंड मुंबई में शूटिंग हुई है और भी बहुत सारे प्लेसेस थे आई एम सो सॉरी एग्जैक्टली बिकॉज हम लोग बहुत ट्रैवल किया हमने इसके लिए एक एक शॉट के लिए ओके मैम कितना एंजॉय कर पाए मैं काम करने को बहुत एंजॉय करती हूँ और स्पेशली मैंने इंडिया बहुत ज़्यादा देखा नहीं है तो जब भी ऐसी किसी हिल स्टेशन पर ऐसी जगहों पर आप जाते हैं और शूटिंग करते हैं तो वो एरिया यू नो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर यू क्योंकि अलग जगह पर जाना और उसको देखना और फिर वहाँ पर शूटिंग करना और वो चीज़ें हमेशा के लिए स्क्रीन पे आ जाती है तो आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस तीन दिन के बाद मूवी रिलीजिंग कितना एक्साइटेड है और फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे आई थिंक तीन दिन के बाद फिल्म रिलीज है एक्साइटेड हूँ एंड अपना काम देख के उसको आप अप्रिशिएट भी करते हैं आप क्रिटिसाइज भी करते हैं तो वो सारी चीज़ें इट्स लाइक पार्ट ऑफ आवर जॉब पार्ट ऑफ आवर जर्नी लेकिन लोगों को मैं ये कहूँगी कि एक बार फिल्म जाके ज़रूर देखें आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपको क्लिक करेगा Thank you. I'm sure about it.